मंदसौर जिले के आकली दीवान गांव दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर छोड़ फाड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें मरे हुए भैंस के चमड़े से बने हुए एक विशेष प्रकार के त्रिकोणाकार छोड़ को गाय के सींग से फाड़ा जाता है। मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील अंतर्गत गांव आकली दीवान में सदियों से एक ऐसी परंपरा चलती आ रही है, जिसका आयोजन दीपावली के गोवर्धन पूजा के दिन किया जाता है, जिसमें मरे हुए भैंस के चमड़े से छोड़ बनाया जाता है, उसके बाद उसकी पूजा की जाती है और फिर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे, तब वहां एक क्रीडा का आयोजन किया गया था। उसी प्रकार उस परंपरा के अनुसार इस पारंपरिक प्रतियोगिता का आयोजन यहां भी किया जाता है। इसमें प्रतिवर्ष कई लोग भी घायल हो जाते हैं। मान्यता है कि श्री राम जब अयोध्या आए थे तो पशु भी अपने खूंटे को तोड़कर श्री राम के दर्शन करने गए थे। तब से लगाकर अभी तक यह परंपरा चली आ रही है। ये भैंस का पाड़ा पाड़ी से बनता है, पाड़ा पाड़ी से बनता है। और ये दीपावली पे यहाँ पे करते हैं, दीपावली के लिए नहीं, लाभ से काम करता है जो। अच्छा, हाँ, तो मरे हुए पाड़ा पाड़ी से बना। और मरे हुए पाड़ा पाड़ी का वो लाके नहीं और पानी में लगा के इसको बनाते हैं। मतलब पूरे गांव वाले देखते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। मतलब जो परंपरा से चल के आ रही है, ये अयोध्या जब राम लक्ष्मण जब अयोध्या लौटे थे, रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे, उस समय यह उत्सव का प्रज्वलन रखा गया था। क्योंकि काला रंग पर सफेद शुभ माना जाता है, तो काला रंग का छोड़ रहता है उसके गाय के साथ उसको फाड़ा जाता है। इसलिए हमारे गांव में अभी भी वो परंपरा चल के आ रही है। काले रंग पर सफेद रंग की जीत, काले रंग पर सफेद रंग की जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।